हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे छोटी आकृति में रंग भरिए। आपको यहाँ पर तीन आकृतियाँ दी गई हैं, इनमें जो सबसे छोटी आकृति है उसमें आपको रंग भरना है। एक ये आपको करके दिखाया गया है, देखो सबसे पहला, उससे छोटा और ये सबसे छोटा। तो इसमें पहले से ही कलर आपको करके दिखाया गया है समझाने के लिए। अब करते हैं अगला। देखो, जो हमने इससे पहले आकृति देखी थी ये कौन सी थी? ये थी चौकोर। कौन सी आकृति? आकृति थी चौकोर यानी चतुर्भुज यानी स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं अगला। अगला क्या है? वृत्त यानी गोला। सबसे बड़ा, उससे छोटा और ये है सबसे छोटा। तो आपको सबसे छोटे वाले गोले में क्या करना है? इसमें आपको कलर करने हैं। आप इसको अच्छे से कलर से फिल कर देंगे यानी कि कलर से भर देंगे इस गोले को। इसके बाद है अगला। अगले में दे रखा है त्रिभुज। अब ये सबसे बड़ा, उससे छोटा और ये है सबसे छोटा। तो आप इसमें भी अपना मनपसंद कोई सा भी कलर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कलर से भरना है इस त्रिभुज को। उसके बाद है अगला। अगला दे रखा है पंचभुज यानी सबसे बड़ा, उससे छोटा, ये है सबसे छोटा। तो आप इसमें भी अपना मनपसंद कोई सा भी कलर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी बुक में दे रखा होगा। उसके बाद है अगला। एक जैसी आकृतियों का मिलान कीजिए। तो अब आपको क्या करना है? एक जैसी आकृति मिलानी है। ये देखो, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। अब देखो, दिख रहा है आपको सही से? सारी आकृतियाँ दिख रही होंगी। अब देखो, सबसे पहले एक आकृति का आपके लिए मिलान करके दिखाया गया है। ये एक जैसी हैं। अब देखो और कौन कौन सी एक जैसी हैं। और देखो, ये त्रिभुज वाला ड्रम इस तरीके से, ये सर्कल वाला इससे और ये इससे। ठीक है, आपको ऐसे मिलाना है। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है? अगले में है, यहाँ पर कुछ हमें करने के लिए बताया गया है कलर करने के लिए। सबसे पहले है हरा रंग। हरा रंग आपको भरना है जो त्रिभुज की आकृति के हैं। ठीक है, इनमें आपको क्या करना है? हरा रंग भरना है। यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे। ठीक, हरा रंग भरना है आपको त्रिभुज की आकृति में। तो एक तो देखो ये है त्रिभुज की आकृति वाला, इसमें भी आपको हरा रंग भरना है। और किस में भरना है? और इसमें भरना है हरा रंग। एक सेकेंड, अब देखो इसमें भरना है हरा रंग, इसमें भरना है हरा रंग, इसमें, 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 और ये जो फ्लावर के पत्ते हैं इसमें भी आपको हरा रंग भरना है। ध्यान से आपको इसमें हरा रंग भरना है, क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया है कि त्रिभुज की आकृति में आपको हरा रंग भरना है। उसके बाद है अगला, लाल रंग। लाल रंग किस में करना है आपको? लाल रंग करना है आपको सर्कल वाले में यानी कि वृत्त वाले में या गोला वाले में। तो देखो, एक ये है गोला, एक ये है गोला, एक ये है और एक ये है गोला। और कहाँ पर है लाल रंग? और देखो, जो फूल हैं ये सारे गोले से बने हुए हैं, इसमें भी आपको लाल रंग भरना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं नीला रंग। नीला रंग किस में करना है आपको? नीला रंग करना है चौकोर में। तो एक किस में करना है आपको नीला रंग? इसमें, 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 इन सब में, बाकियों में आपको नीला रंग करना है। एक ये है चौकोर, ये है, ये है, ये है, ये है, ये तीनों, और एक ये आपको सब में कौन सा रंग करना है? नीला रंग करना है जितने भी चौकोर बने हुए हैं। और देखो, जो फूलों की डंडी है बीच की, इसमें भी आपको, जिसपे पत्ते लग रहे हैं ये, इसमें भी आपको नीला रंग करना है। ठीक है, तो देखो हरा रंग किस में करना था? हरा रंग करना था आपको जो त्रिभुज वाली आकृति है उसमें। इनमें आपको हरा रंग करना है। ये देखो, यहाँ पर ये और ये पत्ते, ये वाले और ये वाले। ठीक है, इनमें आपको करना है हरा। और आपको इस तरीके से इस चित्र को पूरा करना है।
अब देखते हैं अगला, अगले में क्या है, अगले में भी आपको ऐसे ही कलर करने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले हरा रंग, गुलाबी और पीला। हरा रंग किस में करना है आपको, हरा रंग करना है त्रिभुज वाले में। तो एक ये हो गया यहाँ पर, इसमें 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 तो हो गया हरा रंग, ठीक है। अब गुलाबी कलर किस में करना है आपको, सर्कल वाले में। तो गुलाबी कलर देखते हैं, गोला कौन कौन से हैं, एक तो ये है गोला फिश वाला और एक ये है गोला, इनमें आपको सब में गुलाबी कलर करना है, जो भी गोले हैं, ठीक है, जो गोले हैं उनमें आपको सबको गुलाबी रंग करना है। और जो त्रिभुज था उसमें क्या था, हरा रंग। हरा रंग देखो कहाँ करेंगे, ये भी त्रिभुज है, ये भी है, ये भी है, ये 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 भी है, और कहाँ पर है ढूंढो जल्दी, और इनमें सब में आपको हरा रंग करना है, ये सारे त्रिभुज हैं, ठीक है। आप अपनी बुक में आराम से इजीली देख लेंगे और इनमें भी आपको हरा रंग करना है, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, इसमें भी आपको सब में हरा रंग करना है। उसके बाद है अगला पीला रंग। पीला रंग किस में करना है आपको, जो चौकोर हो इसमें आपको पीला रंग करना है, इसमें, और एक सेकंड पीला रंग ले लेते हैं, इसमें करना है आपको पीला रंग, इसमें, और ये बीच वाली लाइन है, इसमें आपको पूरे में पीला रंग करना है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब एक लास्ट पेज है इसका। पुस्तक के अंत में दी गई आकृति किट की सहायता से एक जैसे चित्र बनाइए। तो अब देखो आपको क्या करना है, ये जो आपकी बुक में दे रखे हैं आप ऐसे ही ड्रॉ करेंगे एक अलग पेपर पे, ये त्रिभुज की आकृति, ठीक है, ऐसे, और एक ये ओवल शेप अंडाकार आकृति, और इसको काट के दूसरे पेपर पे बना के ड्रॉ करके उसको काट के आपको एक बटरफ्लाई बनानी है। उसी तरीके से आपको ऐसे सर्कल काटने हैं, एक ये वाला सर्कल, एक ये ये ये, और ये त्रिभुज की आकृति में कुछ पेपर आपको काटने हैं, और फिर इनको कट करके आपको एक अलग पेपर पे इनको चिपका करके एक आकृति बनानी है, या फिर आप इसको ड्रॉ करके भी बना सकते हैं। तो बच्चों अब वीडियो को लाइक करना ना भूलें।